गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आप सभी को पता है कि मैं जा रही हूँ मुंबई। तो मुंबई जा रहे हैं हम सभी, आई मीन टीम जीएम जा रही है परफॉर्म करने के लिए सोशल नेशन पे। तो आई एम रेडी फॉर द जर्नी। मैं अपनी जर्नी आपको दिखाती रहूँगी पूरे ब्लॉग में। लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ पर सब लोग अपनी व्लॉगिंग करने में लगे पड़े हैं। और थोड़ा सा सामान भी हमारे पास, क्योंकि हम लोग 1.5 आवर्स पहले पहुंच गए स्टेशन और बस हम 5 ही पहुँचे। बाकी सब अभी धीरे 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 आ रहे हैं और हम जल्दी पहुंच गए। बट एक तरह से अच्छा भी है, हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम आउट ऑफ दिल्ली जा रही हूँ मैं, बिना पेरेंट्स के, बिना फैमिली के। बट हाँ, मेरे पास दूसरी फैमिली है, टीम जीएम इज माय फैमिली। दीपक सर, दीपिका मैम, शशांक सर, आलोक सर, हिमांशु सर, दीपिका मैम, सब सब बहुत प्यारे हैं, बहुत केयरिंग है। मतलब हम बच्चों को बहुत प्यार भी करते हैं। तो चलो अब देखते हैं, हम लोग पहले सबका वेट करते हैं और फिर जब ट्रेन आएगी ट्रेन में चलेंगे। और ये हमारे साथ आंटी। कैसे जाती है ट्रेन? हेलो गाइस, गाइस यहाँ पर सबके चैनल पे ब्लॉगिंग हो रही है। ये दीदी बहुत लेट से आई थी गाइस, मुझे गुस्सा बिल्कुल। हेलो अंकल, ये नहीं लेना। थैंक यू। शीतल आ चुकी है। हाय रिक्शा, बाय बाय। क्या बोल रहे थे? मैम आपको पता है ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है वो जो आपने बोला था। दो मिनट में आ जाएंगे। ठंड बहुत ज्यादा है। हाय सर, बहुत ठंड है ना? ओए, व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या तरीका ये? 3:30 देखो, बड़ी बड़ी घड़ियां लगी है। 3:49 हो गया। सन से हो रहा मौसम क्या है? इसको दिक्कत है, इसको दिक्कत है। मैं क्या करूँ? तो ये दोनों हो चुके पागल, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और मैं तो बहुत बार कर चुकी हूँ। मतलब बाकी सब भी बहुत बार कर चुके हैं, तो उतना एक्साइटमेंट नहीं है, बट इन दोनों को ज्यादा एक्साइटमेंट है। आपको एक्साइटमेंट नहीं आ रही? नहीं, आंसर इज लेट। आई लगे चलने के बाद व्लॉगिंग देख रहे हो? व्लॉगिंग व्लॉगिंग देखो मम्मी। हाय आंटी, और ये भी ब्लॉगर एक और आ गई हमारे साथ। कैमरा टकराते हैं हमारा, कर लो सब, कर लो आराम से करो। और इसको देखो अलग, भाई बहुत क्रीपी लग रही है। धूप की वजह से लग रही है। कभी तो उसका फेस नहीं दिखा रहा, सिर्फ ऐसा हेयर चमक रहा है। टाइम पर ट्रेन चल चुकी है। और कुछ इन्फॉर्मेशन आप दोगे प्लीज? क्या इन्फॉर्मेशन दूं कि क्या क्या हुआ हमारे साथ? बहुत ज्यादा कमी है। मतलब हम 9 लोग हैं और सीट हमारे पास 5:30 है, तो पता नहीं कैसा चद्दर लाए सब अपने बिछा के बैठ जाएंगे। हाँ, मैं तो ब्लैंकेट लेकर आई हूँ, ब्लैंकेट नहीं सॉरी बेड शीट लेकर आए हम सारे के सारे। यहीं सोने वाले हम या नीचे? एक दिन देख ले, दिखा दे यहाँ पर मैं दिखूंगी आपको रात के टाइम। ये जो बच्ची है हम पैसे ऐसे चेयरिंग के वॉश कह रही है, रात के टाइम मैं दिखूंगी आपको यहाँ लेटे हुए जमीन पे। और हमें लास्ट एंड में हम लोगों ने ट्रेन की टिकट बुक करी थी और हमें कुछ पता आता है नहीं, अच्छा था मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है। तो क्या हुआ कि अभी हमें पता चला कि हमारी सीट सारी अलग अलग है, इधर कहीं उधर है, कोई इधर है। हम लोग साइडल में पहुंच चुके हैं, एकदम बड़े बड़े फेरवास गाड़ी का बैठी हुई है। तो
गाइस फाइनली इसको ये जवानी दीवानी वाली फील आ रही है ना, आप लोग करते हैं देखा बोला ही तो मैंने बोले टेस्टी थी चाय भी आ रही चाय चाय बन चुकी है अब ऐसी अच्छी चीज आ गई है देखो वो आंटी प्याज छीलती है यहाँ पर नींबू भी है बैठे चाय लेके चाय वाले भैया अभी अक्षिता और सर के बीच में लगा था कि कौन पहले उतरते हैं और अक्षिता यहाँ हारते हुए कंपटीशन था पूरा यहाँ पे चोट नहीं लगी होती ना मैं दिखाता तुम लोगों को झूला झूला के अभी तो क्या लटकी हुई है हम यहाँ पे पैरोडी बना रहे हैं ये जवानी है दीवानी की एक तरफ खिलौना और ये है खिलौना एक तरफ का बनी और ये है हनी हनी बनी भाई साहब गाने सुने गाने अक्षिता के पीछे चुड़ैल आ गई है अरे सच में लग रही है मैम यस अब हम लोग खाना खा रहे हैं बांट रही है मैम सभी को बांट रही है जब तक मेरा टाइम आएगा सब खाना खत्म हो जाएगा अरे सर और माचा सर वहाँ खा रहे हैं कॉम्बिनेशन ले बैंगन की सब्जी आलू और देखो शिमला मिर्च बनियों का खाना इसमें से शिमला मिर्च जो है ये खुशी ने बनाया है तीन चीजें इसके अंदर मेरे पास नहीं है थोड़ा सा दियो हल्का सा गाइस ये रोटी भी इसने बनाई है तभी खाएंगे हम गाइस कुछ भी हो सबसे खतरनाक चीज है एंड में गाइस सबने सुना है किसी की हाय नहीं खानी चाहिए ये ले तू भी थोड़ा खा ले गाइस देखो बहुत ज्यादा चम्मच दे रहे हैं ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा हो गया कुछ ज्यादा ही सर ये तो और ज्यादा हो गया कुछ ज्यादा ही इतना खा ले मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था सर ने दिया है मुझे देख लो आप सारे खत्म कर दो गाइस काजू कतली सर सर नहीं देने वाले शशांक बाप रे इतना गाइस मिल गया गाइस आधी रात को हमें गाइस यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रही है सारी मेरा बैग होगा ये बैग है दोबारा बोलो नहीं ये भी नहीं है तो हम इस बच्चे को बिला रहे हैं सारे मिलके ये सर तो हमेशा फोन में लग रहा था छोड़ो तो गाइस अभी मैं उठी हूँ सुबह के कितने बजे साढ़े सात हो रहे हैं ठीक है मैं अकेली उठी थी पहले फिर मैंने देखा कि ये भी उठी हुई है फिर सर भी उठ गए सर की भी गुड मॉर्निंग हो गई और अभी हम स्टेशन पे हैं ये मेरी मसाला चाय क्या और ये है आंटी ये मेरे साथ उठ गई ये देखो इसको देखो लोकल सारे बैठे हैं लोकल ट्रेन देखने के लिए ये पटरी है लोकल ट्रेन देखो गाइस ब्लॉगर देखो बोला बोला सर आप पटरी है लोकल ट्रेन एक ये दोनों ब्लॉगिंग गाइस अलग से पटरी होते हैं लोकल ट्रेन के लिए इतनी को दिख रही है उसमें इंसान बैठे हुए दिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे हो गया क्या कर रही है सर फोड़ रही है मेरा यार तूने पता बहुत तेज कोने मारी है और मेरा सर अपना सर मारा मेरे सर पे इसने एग्जांपल दिया लोकल ट्रेन में होते हैं ये मार खाई ये पक्का पटाई
उठ चुकी है। अच्छा भाई आप फ्रेश लग रहे हो, बिल्कुल फ्रेश। आंटी तो ऑलरेडी उठी हुई है। और ये वो लड़की जिसने मेरे को कोहनी मारी है, गिरी लोकल ट्रेन, अब लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन कहीं जी, तो कोई लोकल ट्रेन है, कुछ भरी हुई है। भाई क्या भरी बड़ी है लोकल ट्रेन में, ऐसे भी कम है, इससे ज्यादा भरी रहती होगी। अच्छा जी, तूने एक्सपीरियंस किया है? नहीं मैंने देखा है मूवी में। इससे ज्यादा कहाँ ही आएंगे लोग, नहीं वो जमीन निकल जाएगी, आसमान खा जाएगा। भाई लोग बैठे हुए भी हैं, बैठे हुए भी हैं जमीन पे, सीट ऑफिस। अक्षिता आप एक्सपीरियंस करना चाहोगे? सर आप करना चाहोगे? किसी के अंडर आर्म से घुसना पड़ेगा एक दिन। आप करना चाहोगे? मैंने किया, मस्त लग रहा है। आपने किया है? पहली बार मुंबई थोड़ी आई हूँ, कुछ मैं बैठ के बैठे क्योंकि मैं ट्रेन भी पकड़नी थी, हालत खराब हो गई। मजा आया। बताओ बताओ अपने एक्सपीरियंस बताओ। बताऊँ मजा आया, मेट्रो में नहीं चढ़ते राजीव चौक। एक और बात देखो, देख अंकल जी का पेट निकल रहा है। हेलो अंकल, आपका पेट निकल रहा है, उसको अंदर करो। उनको सुना ही होगा क्या? नहीं तू दिख रहा है तुम लोग उधर से। बोल रही थी मैं गुड मॉर्निंग गाइस, पता चल रहा है कि हम लोग कितना सोए हैं। मेरे ऑफिस लग रही है ना, अलग दिख रही है, नींद पूरी हो गई है। बेस्ट थिंग है क्योंकि अभी हमारा टाइम पूरा सही है, लाइफ में रिहर्सल भी कर सकते हैं और फिर घूम भी सकते हैं और थोड़ा सा बड़ा फॉर्म खा सकते हैं। आंखें मेरी हाँ चमक रही है, मेकअप करके होती है ना। अरे निकल जाओ, मैम बोल रही मुंबई में आके मैं सीरियल बहू बनती हूँ, रात को मेकअप करके सोती है ना। गाइस तो हम लोग मुंबई आ चुके हैं, मुंबई। लोग कैसे लटक रहे हैं भाई? मैम भी बोल रही है, मैम भी लाती हूँ मैं भी लोकल ट्रेन में। मजा आता है, टीवी देख रहे हो? ट्रेन में टीवी देख रहे हैं ये इंसान। बैठी हुई थी मैं यहाँ पे, साउथ की पिक्चर चल रही है क्या? मास बन के टेंगे टेंगे करती, क्या कह रही है? टेंगे टेंगे करती, टेंगे टेंगे। कहीं भी इतना शोर नहीं हो रहा था, यही थी बस ये और एक ही मैं थी, ये थी, क्या ये दोनों ही थे? मैं नहीं थी। तो अभी भी लाउडस्पीकर है और ये भाई इसकी हंसी एक बार हंस के दिखा दे। मैं मुंबई आ गए, हम लोग मुंबई आ गए। ये अब हम जाएंगे होटल, फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग रिहर्सल पे। यस, और फिर हम जाएंगे टेक रिहर्सल, उसके बाद हम खाना खाएंगे मुंबई का, खाएंगे वड़ा पाव। वड़ा पाव यस। ये हम लोग लूटे हैं, ये सब लूटे हैं। आपने कौन सा लूटा है? द प्रीमियम वन। गाइस भगवान एक हवा का झोंका दे देना तो वो भगवान है। तो हम लोग बैठ गए हैं कैब, क्या बोलते हैं, वैन में, वैन, टैक्सी, टैक्सी में बैठ गए हम, टैक्सी वैन, द रियल टैक्सी, मुंबई की टैक्सी में, द रियल टैक्सी। वो भाई आपके तो सही लग रहे हो ऐसे, पता है? तो अभी हमारी पीछे वाली टैक्सी में आ रही है दीपिका मैम, अक्षिता, शशांक सर और आंटी और गौरिका। रियल टैक्सी है, नकली टैक्सी। कैसे वो आगे चले गए? वो आगे ये रहे मेरे से हमारे आधे लोग। भाई भाई फोन देता पीछे गिर जाएगा फोन। ठीक है सॉरी सॉरी। दो दिन तीन दिन बहुत अच्छा लगता है, फिर चौथे दिन तुमको अपने घर की याद आने लगती है। हम रोने वाले हैं, वैसे हम चार दिन ही हुए, दो तीन दिन नहीं, पाँच दिन। अभी तो तुम लोग बहुत लोग के साथ हो ना, तो तुमको दस दिन भी यहाँ पे लगेंगे कि कहाँ गए थे। यहाँ पे अगर मैं मतलब जल्दीबाजी में कल टिकट बना ली, अगर मैं ट्यूजडे की टिकट बनाता ना, तो हम एक दिन के लिए ना बोटिंग के लिए जाते हैं। बोटिंग हाँ, तो यहाँ पे क्रूज से जाते हैं हम लोग एक आइलैंड पे,
बहुत सही। यहाँ की ट्रैफिक बहुत फेमस है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का ट्रैफिक बहुत नॉर्मल है, दिल्ली ट्रैफिक नॉर्मल। दिल्ली का अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ का एक्सपेक्टेड है कि इतना लेट तो लगी है। तो आप जब भी आते हो ऐसी गर्मी पड़ती है यहाँ पे? गर्मी हमेशा होती है, बट मैं कभी भी ना इस टाइम पे नहीं आता हूँ, हमेशा दिसंबर जनवरी में आता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। फाइनली हम लोग अपने होटल पहुँच चुके हैं और यहाँ दीपिका मैम गर्मी से परेशान होते हुए जीप से छिप 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 लग रहा है ना।